आप सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। मैं धीरज, मैं आप लोगों के बीच में आज फिर से साहब श्री के वाणी से नई शिव चर्चाएं लाया हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें ताकि आपके पास जितनी भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं आपसे दूर हो सके। तो चलिए वीडियो को चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैं जिस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में चर्चा करता हूं उसमें आप लोगों की भी साझेदारी हो। तो चलिए वीडियो को चलते हैं। अध्यात्म की दुनिया की कुंजी ही है गुरु की दया और कुछ नहीं। उसके बिना अध्यात्म के ताले नहीं खुलते। वो ऊपर से ऊपर हो या नीचे से नीचे अध्यात्म की दुनिया हो, गुरु दया ही सब कुछ है अध्यात्म की दुनिया के लिए। अध्यात्म की दुनिया के लिए नहीं, सब कुछ के लिए गुरु दया सब कुछ। लेकिन गुरु से जुड़ाव आपका होगा गुरु की दया से ही। उनकी दया प्राप्त करने की कोशिश करिए और ये भी कोशिश करिए कि जो सही में शिव शिष्य आपको नजर आते हैं, जब तक नजर आते हैं, क्योंकि शिव शिष्य का कोई भरोसा है, आदमी का क्या भरोसा। सात फेरे शादी में लेता है और बीबी से तलाक उसका हो जाता है 20 साल के बाद। कसम खाता है तब भी कसम तोड़ता है, शर्त मानता है तब भी उनको तोड़ता है, आदमी का क्या भरोसा। लेकिन जब तक कोई सही में शिव शिष्य है, उसकी बात सुननी आपको चाहिए। वो करे तो आपको, जो कहे तो आपको करना चाहिए। आपको लगे कि गड़बड़ है तभी तो हम लोग जिंदा, हम लोग से पूछ ली, हम तक नहीं आ सकते हैं तो छोटी सी पुस्तिका है शिष्यानुभूति, पढ़ सकते हैं तो ठीक, नहीं तो दूसरे से पढ़वा के समझ ली। शिष्यानुभूति में जो बातें लिखी हुई है वो अंतिम है आज के कालखंड के लिए, वो उसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। आप पढ़ते नहीं हैं और पढ़ के समझने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए तरह तरह के सवाल आते हैं। आप पढ़ के समझने की कोशिश करिए, शिव भाव के शिखर की तलाटी में सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। उसमें उसी की पंक्ति है, इसमें सोचते का नहीं है। शिव शिष्यता कितने दिन से चल रही है? अरे 20-22 साल तो हो गए, मैदान में चलते हुए, कमरों में चलते हुए ज्यादा दिन हुए, लेकिन 1990-91 से तो फील्ड में चल रहा है। हमी ने शुरू किया था मैदान में, बाहर कमरे से बाहर, तो 90 से जोड़ लीजिए 2006-11 कितना हुआ, 21 साल हो गए। 21 साल में ये जो बात लिखी हुई है कि शिव भाव के शिखर की तलाटी में संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, हटाया नहीं जाता है, तिरोहित हो जाती है, मतलब कोई चीज खत्म हो जाती है, उसको हटाना नहीं पड़ता। देख लीजिए इसमें क्या लगा हुआ है, सवाल कौन सी करते हैं, अगल बगल नहीं सुनता आपको। जो भाई साहब सवाल किए हैं जरा बताए तो, उनके बगल में जो गुरु बहन या गुरु भाई बैठी है किस जाति की है, नहीं जानते हैं। कहां गई ये जात पात की संकीर्णता, ये छोटी बातें। जिन्होंने सवाल किया है अगर महादेव का काम करते हैं तो अपने जिले में बताएं कि कौन किस जाति के गुरु भाई उनके साथ चलते हैं, उनको पता ही नहीं है, ना उन्होंने पूछा है ना उसने बताया, जरूरत ही नहीं है कि क्यों पूछेगा कोई, तो संकीर्णताएं नहीं खत्म हो गई। इसे पूछना क्या है, नींबू खट्टा है कि नहीं खट्टा, इस पर तब बहुत कौन सी कर रहे हैं, मुंह में डालिए ना कुछ भाई, मालूम हो जाएगा। 22 साल में शिव शिष्यता ने तो प्रमाणित कर दिया कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में अभी नीचे ही हम लोग हैं, पहाड़ पर चढ़े नहीं है, पहाड़ के नजदीक जरूर आ गए हैं, पहाड़ पर चढ़े नहीं, तलहटी कहते हैं जहां से पहाड़ शुरू होता, समतल मैदान खत्म हुआ और पहाड़ शुरू होगा उसको तलहटी बोलते हैं। तो आप अभी तो शिव भाव के शिखर के पर्वत के निकट आए, नजदीक आए, चढ़े कहां है अभी, उचारने के लिए तो गुरु की दया चाहिए, मैंने कहा ही आपको, वहां आए हैं। आप बता दीजिए कि इसमें जितने लोग बचे हैं किसकी किसकी आप जाति जानते हैं, छोटी छोटी बातें नहीं जानते, कोशिश भी नहीं की गई, किसी ने कभी जात पात के खिलाफ कुछ कहा ही नहीं, खत्म हो गया, उड़ गया कपूर की तरह। मेरे घर में जो लोग काम करते हैं वो 12-14 साल से काम करते हैं, मुझको आज तक नहीं पता कि मेरी रोटियां बनाने वाला किस जाति का है, जरूरत ही नहीं तो क्यों पूछेंगे, आदमी है ना भैया,
इन चीजों से मैं क्या रखा है, तो मन से हट गई ये चीजें तो तिरोहित हो जाती हैं, यानी हटती चली जाती हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा ये छोटी छोटी चीजें हटती चली जाएंगी। बीच में हुआ था आप फलना जिला में आए हैं तो यहाँ के जिला संजय को काहे नहीं बोले आप कि आप चर्चा कर रहे हैं, मेरे जिला में आप कहने का अधिकार क्या है। अब वो भी खत्म हो गया, छोटी बात है। आप जगह को पकड़े हैं, कोई जात को पकड़ा है, कोई संप्रदाय को पकड़ा है, कोई भाषा को पकड़ा है, छोटी बात है, खत्म हो जाए। अब जाइए आप कहीं शिव चर्चा करने, यहाँ के हो वहां के हो वहां के हो वहां के हो, कोई नहीं बोलेगा, आपको सहयोग करेगा, खबर कर दीजिए। संकीर्णताएं खुद ब खुद खत्म हो रहे, तो इसको देख लीजिए अगल बगल, तो झांकते नहीं है सीधे सवाल करने से। आप झांक लीजिए अपने इलाके में, झांक लीजिए शिव शिष्यों के बीच में, झांक लीजिए क्या संकीर्णताएं खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है। आप जिस पत्तल में जिसके साथ खाते हैं उसकी जाति जानते हैं भाई साहब? हमारे गुरु भाई बहन जाते हैं और किन किन बस्तियों में जाते हैं और साथ बैठ के खाते हैं एक पत्तल और एक थाली में, कोई भी जात किसी की नहीं जानता और खाते हैं। किसने कोशिश की इसको हटाने की? किसी ने कोशिश नहीं की। वो पहाड़ के निकट गए तो भाई ठंडी हवा तो लगेगी, बात है साफ। समतल मैदान में रहिएगा तो लू चलती है, पहाड़ की तलहटी में शीतल हवा आती है, लू नहीं चलती। तो शिव भाव के शिखर की तलहटी में जाएगा तो पुष्प प्रभाव पड़ने न करेगा कि नहीं पड़ेगा आपके शरीर और आपके मन पे? इसलिए लिखा हुआ है शिव भाव के शिखर की तलहटी में संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है, हटाना नहीं अपने खत्म हो जाएंगे। तलहटी में पूछिए तो, नजदीक जाइए तो, शिव को गुरु बनाइए, फिर उनकी दया मिलेगी तो शिखर तक चले जाएंगे आप। और मैंने तो कल भी कहा था कि गुरु का जितना आदर्श है आप करिए, दूसरों को शिव गुरु से जोड़ने की जितनी ताकत है कोशिश करिए, आप अपना काम भी करिए, जितनी कोशिश करनी है जितनी आप कर सकते हैं कोशिश जरूर करिए, शिव से बनाइए लोगों को, ये मंशा रखिए कि लोगों को शिव गुरु से जोड़ेंगे हम, शिव का शिष्य बनाएंगे हम, बाकी काम हम पर छोड़ दीजिए, बाकी काम हमको आता, बाकी काम हम कर देंगे आपका, आध्यात्मिक लौकिक नवादा करेंगे, बाकी काम हम कर। लेकिन वो तो ना हूं तो करिएगा, चलिए ना, हम बेल्ट आपका कस देते हैं, चलिए तो। गुरु का आदेश भर करिए, बाकी गुरु पर छोड़ दीजिए। गुरु पर भरोसा नहीं है तो हम तो मिलने कपा रहे हैं, कुछ तो भरोसा और भी नहीं करेगा हम ही पर छोड़। आखिर हमसे मिलने आए हैं तो कहीं तो किरण है भरोसे की ना, हम पर छोड़ मैं कर दूंगा। लेकिन उतना तो आपको करना ही होगा, बिजली के तार में अपना तार का हुक तो लगाना ही होगा, बाकी पावर हाउस कर लेगा, ट्रांसफार्मर कर लेगा, सप्लाई दे देगा, आपके यहाँ बत्ती जल जाएगी। लेकिन टुकवा तो फंसाइएगा ना भाई जी, वो नहीं करिएगा तब तो बड़ा मुश्किल।